अस्सलामु अलैकुम क्लास, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ असेंबलर। द असेंबलर इज़ अ सॉफ्टवेयर यूटिलिटी। एक हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है दैट टेक्स एन असेंबली प्रोग्राम, जो कि असेंबली प्रोग्राम लेता है एज इनपुट के तौर पर एंड प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट कोड एज आउटपुट, और आउटपुट के तौर पर हमें ऑब्जेक्ट कोड प्रोवाइड करता है। द ऑब्जेक्ट कोड इज़ अ बाइनरी फाइल। ऑब्जेक्ट कोड हमारे पास बाइनरी फाइल होती है जो कि जीरो वन्स की फॉर्म में होती है। The assembler views this file as a book block of memory starting at relative location zero. Assembler इस फाइल को व्यू करता है एज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी, जो कि हमारे मेमोरी जो स्टार्टिंग इसका रिलेटिव लोकेशन है वो जीरो से इसका स्टार्ट होता है। देर आर टू जनरल अप्रोचेज टू असेंबलर्स। असेंबलर की दो जनरल अप्रोचेज हैं, द टू पास असेंबलर एंड द वन पास असेंबलर। एक हमारे पास है टू पास असेंबलर, दूसरा हमारे पास है वन पास असेंबलर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि टू पास असेंबलर क्या है। वी लुक फर्स्ट एट द टू पास असेंबलर विच इज़ मोर कॉमन एंड सम वॉट ईजियर टू अंडरस्टैंड। ये बहुत कॉमन है और इसको समझना भी आसान है, इस वजह से पहले हम टू पास असेंबलर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पास असेंबलर। इन द फर्स्ट पास द असेंबलर इज़ ओनली कंसर्नड विद लेबल डेफिनेशन। जो फर्स्ट पास असेंबलर है यहाँ पर सिर्फ जो है लेबल डेफिनेशन के मुतल्लिक कंसर्न किया जाता है। द फर्स्ट पास इज़ यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ सिंबल टेबल। फर्स्ट पास असेंबलर जो है इसको सिंबल टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दैट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ऑल लेबल्स, जिसमें जितने भी लेबल्स होते हैं उन सारों की लिस्ट सिंबल टेबल में मौजूद होती है एंड देयर एसोसिएटेड लोकेशन काउंटर, और इसमें एलसी वैल्यू होती है। एलसी वैल्यूज कौन सी होती है? लोकेशन काउंटर्स होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट बाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कोड विल हैव द एलसी वैल्यू ऑफ ज़ीरो, और जो ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस करता है असेंबलर उसकी जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमेशा ज़ीरो होती है, ठीक है। द फर्स्ट पास इज एग्जामिन्स ईच असेंबली स्टेटमेंट। फर्स्ट पास क्या करता है? हर असेंबली स्टेटमेंट को एग्जामिन करता है। ऑल्दो द असेंबलर इज़ नॉट येट रेडी टू ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शंस, इट मस्ट एग्जामिन ईच इंस्ट्रक्शन सफिशेंटली टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द कोरोस्पोंडिंग मशीन इंस्ट्रक्शन एंड देयरफॉर हाउ मच टू इंक्रीमेंट द एलसी। तो यहाँ पर ऑल्दो जितने भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको भी हमारा असेंबलर रेडी नहीं होता ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हर स्टेटमेंट को एग्जामिन किया जाता है ताकि एलसी जो है हमारे पास लोकेशन काउंटर है ये अपनी वैल्यूज़ को एग्जामिन कर सके। दिस मे रिक्वायर नॉट ओनली एग्जामिनिंग द ओप कोड। ये सिर्फ ओप कोड को एग्जामिन करने के लिए नहीं हम इस्तेमाल कर सकते नहीं करते बल्कि बट आल्सो लुकिंग एट द ऑपरेंट्स, बल्कि इसके थ्रू हम ऑपरेंट्स को भी देखते हैं एंड द एड्रेसिंग मोड्स, और एड्रेसिंग मोड्स को भी देखा जाता है। डायरेक्टिव सच एज डी क्यू, जो हमारे पास डी क्यू डायरेक्टिव है एंड रेस्ट, कॉज द लोकेशन काउंटर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू हाउ मच स्टोरेज इज स्पेसिफाइड। जो डी क्यू है और जो रेस्ट हमारे पास डायरेक्टिव है ये वजह बनते हैं लोकेशन काउंटर को कि एडजस्ट कर सके तो अकॉर्डिंग टू हाउ मच स्टोरेज इज स्पेसिफाइड। व्हेन असेंबलर इनकाउंटर, जब असेंबलर का सामना होता है एक स्टेटमेंट के साथ जो कि एक स्टेटमेंट लेबल के साथ होती है, इट प्लेस द लेबल इन टू द सिंबल टेबल। वो लेबल को क्या करता है? सिंबल टेबल में उसको प्लेस कर देता है अलॉन्ग विद द करंट एल सी वैल्यू। जो भी इसकी करंट वैल्यू एल सी वैल्यू होती है उसके साथ उस स्टेटमेंट को लेबल के साथ वहाँ सिंबल टेबल में मेंशन कर दिया जाता है इसको। द असेंबलर कंटिन्यूज अनटिल इट हैज़ रीड ऑल द असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स। असेंबलर ये काम परफॉर्म करता रहता है जब तक कि जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सिंबल टेबल में ना रख दे। दूसरा हमारे पास है सेकेंड पास। द सेकेंड पास रीड्स द प्रोग्राम अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग। जो सेकेंड पास होता है वो दोबारा से स्टेटमेंट्स को रीड करता है स्टार्ट से। ईच इंस्ट्रक्शन इज़ ट्रांसलेटेड इनटू द अप्रोप्रिएट बाइनरी मशीन कोड। हर जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है उसको ट्रांसलेट किया जाता है मशीन कोड में। ट्रांसलेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग ऑपरेशंस। कौन कौन से ऑपरेशंस यहाँ पर होते हैं? ट्रांसलेट द नेमोनिक इनटू अ बाइनरी कोड, एक नेमोनिक को बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया जाता है। यूज़ द ओप कोड,
टू डिटरमाइन ऑपकोड को डिटरमाइन किया जाता है द फॉर्मेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड द लोकेशन एंड लेंथ ऑफ द वेरियस फील्ड्स इन द इंस्ट्रक्शन। थर्ड हमारे पास है ट्रांसलेट ईच ऑपरेंट नेम, हर ऑपरेंट नेम को ट्रांसलेट किया जाता है इनटू द अप्रोप्रिएट रजिस्टर और मेमोरी कोड। एक अप्रोप्रिएट जो हमारे पास रजिस्टर और मेमोरी कोड होता है उसको ट्रांसलेट किया जाता है उस ऑपरेंट को उस और रजिस्टर या मेमोरी कोड में ट्रांसलेट किया जाता है। द ट्रांसलेट ईच इमीडिएट वैल्यू इनटू अ बाइनरी स्ट्रिंग। इमीडिएट वैल्यू कौन सी होती है, जो स्टेटमेंट के अंदर हमें वैल्यू मिलती है वो इमीडिएट वैल्यू होती है। फिर असेंबलर का टू पास से असेंबलर क्या करता है, सेकंड पास जो हमारे पास है ट्रांसलेट ईट ईज इमीडिएट वैल्यू, हर इमीडिएट वैल्यू को ट्रांसलेट करता है बाइनरी स्ट्रिंग में। नंबर फिफ्थ पॉइंट है ट्रांसलेट एनी रेफरेंसेस टू लेबल्स इनटू द अप्रोप्रिएट एलसी वैल्यूज यूजिंग द सिंबल टेबल। सेट एनी अदर बिट इन द इंस्ट्रक्शन दैट आर नीडिड, हर जो हमारे पास सेट एनी अदर बीट दूसरी बीट्स को सेट किया रहता है इन द इंस्ट्रक्शन में दैट आर नीडिड जिनकी हमें ज़रूरत होती है, इंक्लूडिंग एड्रेसिंग मोड इंडिकेटर्स जिसमें हमारे पास जो कुछ बीट्स हैं जो कि एड्रेसिंग मोड इंडिकेटर्स के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, कंडीशन कोड बीट्स होती हैं एंड सो ऑन। अब देखें यहाँ पर एक तरफ हमारे पास आपको फिगर में नज़र आ रहा है वन पास असेंबलर है, दूसरा हमारे पास टू पास असेंबलर है। वन पास असेंबलर क्या करता है, सबसे पहले इसने रीड लाइन फ्रॉम सोर्स फाइल। वन पास असेंबलर ने सबसे पहले लाइन को रीड करना है, टू पास असेंबलर ने क्या करना है रीड नेक्स्ट लाइन फ्रॉम इंटरमीडिएट फाइल, और उसके बाद इसने जो है टू पास असेंबलर ने रीड नेक्स्ट लाइन फ्रॉम द इंटरमीडिएट फाइल। ऐसा करती हूँ पहले पास वन के बारे में बता देती हूँ फिर पास टू के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। पास वन हमारे पास क्या है, हर जितनी भी हमारे पास सोर्स फाइल में जो लाइन है उसको रीड करना है। एंड ऑफ लाइन, अगर ये हमारे पास एंड ऑफ लाइन यहाँ पर चेक किया जाएगा, अगर येस तो क्लोज सोर्स फाइल एंड रिवाइंड इंटरमीडिएट फाइल। तो यहाँ पर उस फाइल को अगर तो ये फाइल हमारे पास देखें वन पास असेंबलर ने हर फाइल को रीड किया, रीड करने के बाद उसने चेक करना है कि एंड ऑफ फाइल क्या फाइल एंड हो गई है, अगर तो फाइल एंड हो जाएगी तो यहाँ पर उस फाइल को क्लोज कर दिया जाएगा एंड क्लोज सोर्स फाइल को क्लोज कर देना है एंड रिवाइंड इंटरमीडिएट फाइल, और इंटरमीडिएट फाइल को रिवाइंड कर देना है जो कि पास टू के पास चला जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो यहाँ पर देखें लेबल डिफाइंड, यहाँ पर देखा जाएगा कि लेबल डिफाइंड है, अगर तो लेबल डिफाइंड होगा तो देखें यहाँ पर अगर तो लेबल डिफाइंड होगा स्टोर नेम एंड वैल्यूज़ इन सिंबल टेबल, फिर उनकी वैल्यूज़ को और उनका नेम को सिंबल टेबल में स्टोर किया जाएगा। उसके बाद ये डिटरमाइन साइज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसके बाद यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन का साइज़ है वो डिटरमाइन किया जाएगा। अगर लेबल नहीं भी डिफाइन किया गया तो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का साइज़ डिटरमाइन किया जाएगा। अगर लेबल को डिफाइन किया हुआ है तो हर लेबल को उसके नाम को सिंबल टेबल में रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद एल सी इक्वल्स टू एल सी प्लस साइज, एल सी हमारे पास क्या था लोकेशन काउंटर, यहाँ पर लोकेशन काउंटर जैसे जैसे जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं वो इंक्रीज़ होती जाएंगी तो यहाँ पर उसका साइज़ भी इंक्रीज़ होता जाएगा। राइट सोर्स लाइन एंड अदर इन्फो ऑन इंटरमीडिएट फाइल, जितनी भी सोर्स लाइंस हैं और उनकी दो दूसरी इंफॉर्मेशन हैं वो हर फाइल को हर चीज़ को इंटरमीडिएट फाइल के ऊपर रखा जाएगा। तो ये था हमारे पास वन पास असेंबलर। देखें फ्लो चार्ट ऑफ टू पास असेंबलर, अब वन पास तो हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं टू पास असेंबलर क्या है। टू पास असेंबलर है रीड नेक्स्ट लाइन फ्रॉम द इंटरमीडिएट फाइल, जो वन पास असेंबलर ने इंटरमीडिएट फाइल बनाई है वो टू पास असेंबलर के पास आएगी। ये सेकंड स्टेप हमारे पास होगा और यहाँ पर देखा जाएगा एंड ऑफ फाइल क्या फाइल एंड होगी है, अगर तो फाइल एंड हो जाएगी तो वहीं पर उसकी वर्किंग स्टॉप हो जाएगी, अगर फाइल एंड नहीं हुई तो यहाँ पर क्या किया जाएगा देखें, अगर फाइल एंड नहीं हुई तो असेंबल इंस्ट्रक्शन, हर सारी इंस्ट्रक्शंस को असेंबल किया जाएगा। उसके बाद देखें राइट ऑब्जेक्ट इंस्ट्रक्शन इनटू ऑब्जेक्ट फाइल, राइट ऑब्जेक्ट इंस्ट्रक्शन जो हमने जो असेंबलर ने 01s की फॉर्म में जो इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट किया है उसको ऑब्जेक्ट फाइल में राइट किया जाएगा। उसके बाद देखें राइट सोर्स एंड ऑब्जेक्ट लाइंस इनटू लिस्टिंग फाइल, जो हमारे पास लिस्टिंग फाइल होगी उसको सोर्स को और जो ऑब्जेक्ट फाइल है
उसको लिस्टिंग फाइल में राइट किया जाएगा। तो ये था हमारे पास वन पास असेंबलर और ज़ीरो पास असेंबलर। देखिए अ सिंपल एग्जांपल यूजिंग द रैम असेंबली लैंग्वेज ARM असेंबली लैंग्वेज इज शोन इन फिगर B5। द ARM असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन ADDSR3R3#19 इज ट्रांसलेटेड इनटू अ बाइनरी मशीन इंस्ट्रक्शन। ये जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, देखें इस इंस्ट्रक्शन को बाइनरी में ये कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने असेंबलर के बारे में डिस्कस किया कि असेंबलर क्या है, और असेंबलर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, वन पास असेंबलर और टू पास असेंबलर। वन पास असेंबलर में हमने देखा कि वो क्या किस तरह से काम करता है। वन पास असेंबलर में हर फाइल को जो है एलेबल, यहाँ एलेबल अगर फाइल हो तो उसको सिंपल टेबल में लिखे जाते हैं अगर, और उसके बाद हर लाइन का साइज़ जो है LC के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है। एक इंटरमीडिएट फाइल बनाई जाती है जो कि टू पास असेंबलर के पास आती है, फिर टू पास असेंबलर हर लाइन को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये था हमारे पास वन पास असेंबलर और टू पास असेंबलर। यहाँ पर अगर किसी पॉइंट पर समय नहीं लगे तो मुझसे पूछ लीजिएगा, तो वहाँ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।